तो दोस्तों, आज मैं आपको जिस जगह के बारे में बताने वाली हूँ उसके बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे। और ये वो रहस्यमय जगह है जहाँ इतनी शक्ति है कि इसकी सीमा पर कई जगह चेतावनी दी गई है कि यहाँ जाना मतलब मौत को सीधा दावत देना है। और इस जगह का नाम है एरिया 51। एरिया 51 जिसे लेकर पिछले 60-65 सालों से कई बातें हुई कि इस 3.7 किलोमीटर के एरिया में आखिर ऐसा क्या है, ऐसा कौन सा राज छिपा है जो किसी आम इंसान को यहाँ आने पर सख्त पाबंदी है। आपको बता दूं कि जिस रहस्यमय जगह के बारे में मैं आपसे बात कर रही हूँ, वो जगह चारों ओर बिजली की तारों से घिरा है और 24 घंटे इस एरिया की रखवाली करते हुए यहाँ जगह जगह जवान तैनात होते हैं। और साथ ही आपको हर जगह रियल फुटेज कैमरा भी दिखाई देंगे। 3.7 किलोमीटर के फैले इस जगह के ऊपर से किसी विमान या ड्रोन तक को जाने की इजाजत नहीं है। साथ ही यहाँ चेतावनी भरे बोर्ड पे यूएसए की सरकार ने साफ साफ शब्दों में लिखा है, जिसके मुताबिक अगर आपने कभी यहाँ घुसने की कोशिश की या फिर यहाँ के आसपास के एरिया में घूमते हुए भी नजर आए तो आपको तुरंत गोली मार दी जाएगी। क्यों, चौंक गए ना? जी हाँ दोस्तों, यहाँ सच में आम इंसान की एंट्री पर इतनी सख्त पाबंदी है, तो आप कभी गलती से भी यहाँ जाने की कोशिश मत करना। तो अब आप जानना जरूर चाहेंगे कि आखिर इस जगह में ऐसा क्या छुपाया जा रहा है, ऐसा कौन सा रहस्य है जिसे यूएसए की सरकार सारी दुनिया से इस जगह को इस कदर दूर रखने की कोशिश में है। तो दोस्तों, आज के मिस्टीरियस फैक्ट में हम इसी एरिया 51 के बारे में जानेंगे। तो दिल थाम कर आज का वीडियो देखिएगा, क्योंकि आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस होने वाली है। लेकिन उससे पहले, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो नीचे दिए लाल बटन पे क्लिक करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आगे आने वाले ऐसे ही वीडियोस आपसे मिस ना हो जाएं। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं। इस जगह को एरिया 51 ही क्यों कहा जाता है? तो दोस्तों, इसके पीछे के लॉजिक को आज तक तो कोई नहीं समझ पाया, लेकिन अमेरिका के नेवादा में क्रूम झील पर बसा एक क्षेत्र एरिया 51 के नाम से जाना जाता है, जिसका ऑफिशियल नाम है नेवाडा टेस्ट एंड ट्रेनिंग रेंज। एरिया 51 का इतिहास क्या है? अगर एरिया 51 के इतिहास की बात करें तो सेकेंड वॉर के बाद शुरू हुए कोल्ड वॉर के समय अमेरिका ने यहाँ पर कई खुफिया हथियारों के टेस्ट किए, जिसमें 1950 के दशक में यहाँ U-2 जासूसी विमान का परीक्षण किया गया। इसके बाद B-2 स्टील बॉम्बर की भी टेस्टिंग की गई। एरिया 51 के आसपास का इलाका आज भले ही वीरान है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग रहा करते थे। अमेरिकी सरकार को जब अपने खुफिया तरह के टेस्ट को करने के लिए एक ऐसी जगह की जरूरत हुई, तो उसने 1955 में इस पूरे इलाके को खाली करवा दिया और इसे अपना बेस बनाया। अमेरिकी सरकार का कहना है कि एरिया 51 एक मिलिट्री बेस है, जहां सेना के अभ्यास के लिए युद्ध की तैयारी, ट्रेनिंग, एक्सपेरिमेंटल एयरक्राफ्ट और हथियारों की टेस्टिंग की जाती है। साथ ही इसे रूस पर नजर रखने के लिए भी बनाया गया था। अमेरिकी वायुसेना ने 1955 में यहाँ पर होने वाले सभी टेस्ट को टॉप सीक्रेट रखा है। इस जगह के बारे में पूरी दुनिया तो क्या, बल्कि अमेरिका के लोगों तक को पता नहीं था, जब तक CIA यानी सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी ने खुद इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया कि हाँ, ऐसी भी एक जगह एग्जिस्ट करती है। तब तक इसे लोगों से गुप्त रखा गया था। एरिया 51 के बारे में लोगों को तब पता चला जब 1967 में CIA के निर्देशक द्वारा गलती से एक मेमो लीक हो गया। इस मेमो में एरिया 51 का जिक्र था। तब जाकर 2013 में इस बेस की जानकारी आधिकारिक रूप से दुनिया के सामने आई। कई विशेषज्ञों का कहना है कि इस जगह पर अमेरिकी सरकार के ऐसे कई राज दफन हैं कि अगर उनका पर्दाफाश हो जाए तो दुनिया में तहलका मच सकता है। अब आप खुद ही सोच लीजिए कि ये जगह कितनी ज्यादा मिस्टीरियस है। एरिया 51 एलियन से क्यों जुड़ा है? कुछ लोगों का दावा है कि यहाँ पर एलियन स्पेसक्राफ्ट पर टेस्ट किए जाते हैं। यहाँ एलियंस को कैद करके रखा गया है और अमेरिका के वैज्ञानिक उन पर शोध कर रहे हैं। वैसे एलियंस के होने के बारे में भी यहाँ कई कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज है। साथ ही इसके पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, जो रॉजवेल के इंसिडेंट से जुड़ी है कि 1947 में न्यू मैक्सिको के रॉजवेल में एलियंस का एक अंतरिक्ष यान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, जिसमें बैठे सभी एलियंस और पायलट की मौत हो गई। और इस घटना को वहां के एक नागरिक ने देखा। उस स्पेसक्राफ्ट और उन एलियंस के शव को इस जगह रखा गया, लेकिन अमेरिकी सरकार ने इस बात का पूरी तरह खंडन करते हुए
ये कहा, दुर्घटनाग्रस्त विमान मौसम की जानकारी देने वाला बलून था, ना कि कोई एलियन यूएफओ। साल 1989 में रॉबर्ट लेजर नाम के एक व्यक्ति ने दावा किया था कि उसने एरिया 51 के अंदर एलियंस तकनीक पर काम किया है। उन्होंने मृत एलियंस की तस्वीरें देखने का भी दावा किया। उन्होंने इस गुप्त जगह के S4 डिपार्टमेंट के बारे में अधिक खुलासा करते हुए कहा कि यहां इस्तेमाल की जाने वाली टेक्नोलॉजी कम से कम 100 साल एडवांस थी। उन्होंने बताया कि ये एलियंस बाइनरी स्टेलर सिस्टम जेटा रेटिकुली 2 के चौथे ग्रह से आए थे। उनके हिसाब से उन्होंने 1989 में ये डिस्कवर किया था कि एलियंस के स्पेसक्राफ्ट कैसे काम करते हैं, और कई महीनों तक डिटेल में स्टडी करने के बाद उन्होंने पाया कि इस स्पेसक्राफ्ट में ऐसे मेटल्स यूज हुए थे जो एलियंस के स्पेसक्राफ्ट में फ्यूल के रूप में एटॉमिक नंबर 115 वाले मेटल का इस्तेमाल किया गया था। और वो ऐसा मेटल था जिससे एंटी ग्रेविटी क्रिएट की जाती थी, जिससे एलियंस के स्पेसक्राफ्ट बिना फ्यूल के दूर तक उड़ सकते थे। और इंटरेस्टिंगली 2003 में ये मेटल यानी अनर्पेंशियम डिस्कवर हुआ, लेकिन रॉबर्ट लजार ने 1989 में ही यानी 14 साल पहले ही इस बारे में दुनिया को बताया था। 2004 में फिर से डैन बुरिश ने जे रॉड नामक एक एलियंस के साथ एलियंस वायरस की क्लोनिंग के लिए एरिया 51 में काम करने का दावा किया। 90 के दशक में एरिया 51 में काम करने वाले दो कार्यकर्ता वैली कैस एंड बॉब फ्रॉस्ट की काम करने के बाद गंभीर रूप से बीमार होने के कारण उनकी मौत हो गई थी, जिसे बाद में इस मौत को वहां की सरकार ने छुपाने की कोशिश की। और मौत की वजह खतरनाक कचरे को जलते समय कार्यकर्ताओं के जहरीले धुएं के संपर्क में आना बताया। लेकिन बाद में एक अनजान शख्स ने वैली कैस और बॉब फ्रॉस्ट को न्याय दिलाने के लिए एरिया 51 के एम्प्लॉयज का ख्याल न रखने के लिए केस किया। लेकिन उस समय एरिया 51 जैसी कोई जगह सरकार के लिए एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो कोर्ट ने इस केस को टाल दिया। अब इसमें हैरानी की बात तो ये थी, जब डॉक्टर्स और कुछ वैज्ञानिकों ने उन दोनों की मौत के बाद उनके शरीर से बायोप्सी ली, तो उन्हें कुछ ऐसे वायरसेस मिले जो कि इस धरती के लग ही नहीं रहते, और वैज्ञानिक भी उनके शरीर के संपर्क में आने वाले इस विदेशी पदार्थ को पहचानने में विफल रहे। एरिया 51 में काम करने वाले एक पूर्व इंजीनियर का भी ये मानना था कि अमेरिका एलियंस को बंदी बना रहा है। बिल यूहाउस ने अमेरिका में एक सीक्रेट मिलिट्री बेस पर काम किया था। उनका दावा था कि वास्तव में उस साइट पर एलियंस की मौजूदगी थी। बिल यूहाउस को एलियंस गतिविधियों का एक्सपर्ट माना जाता है, और वो हॉटस्पॉट 51 एरिया के बारे में औरों से काफी ज्यादा जानकारी रखते थे। भले ही बिल अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका दावा आज भी एलियंस की मौजूदगी को जाहिर करता है। अमेरिकी न्यूज चैनल पर बिल का एक इंटरव्यू देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि वाकई में अमेरिका कई चीजों को छिपा रहा है। एक थ्योरी ये भी है कि एलियंस को लेकर एरिया 51 में किए जाने वाले सभी दावों की वजह से अमेरिकी सरकार को बहुत फायदा होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसकी वजह से असल में एरिया 51 में क्या चल रहा है इसे गुप्त रखने में अमेरिकी सरकार को काफी मदद मिलती है। इन सभी कारणों की वजह से एरिया 51 इतना ज्यादा रहस्यमय हो चुका है कि लोग इसका राज जानने के लिए इस इलाके पर रेड डालना चाहते थे। इस वजह से स्ट्रॉन्ग एरिया 51 नामक ऑनलाइन अभियान चलाया गया, और इस अभियान के तहत 28 जुलाई 2019 को करीब 15 लाख लोग जो इसमें शामिल हुए थे, ये सभी एरिया 51 में रेड डालने पहुंचे। लेकिन अमेरिकी एयरफोर्स ने वार्निंग दी कि अगर कोई घुसपैठ करेगा तो अंजाम बहुत बुरा होगा, जिसके बाद ये सभी लोग पीछे हट गए और ये अभियान वहीं रुक गया। एरिया 51 में सच में एलियंस का अस्तित्व है या नहीं, ये पुख्ता तौर पे तो कोई नहीं कह सकता, पर जहां तक देखा जाए तो एरिया 51 में किसी के भी आने जाने पर इतने रिस्ट्रिक्शंस, यहां तक के सैटेलाइट से भी इस जगह की फोटो तक न लेने दिया जाना, और इतनी हाई सिक्योरिटी की वजह से ये जगह काफी मिस्टीरियस बनी हुई है, जो लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि जरूर सरकार कुछ तो है जो इस दुनिया से छिपा रही है। हो सकता है कि अमेरिका के अलावा ऐसे कई देश हों जो एलियंस के बारे में जानकारी रखते हों, मगर एरिया 51 में काम कर चुके कई पूर्व एक्सपर्ट्स इस बात को दुनिया के सामने लाते रहे हैं। कई पूर्व एक्सपर्ट्स का मानना है कि एरिया 51 में एक स्पेसशिप भी है जिस पर अमेरिका रिसर्च कर रहा है, ताकि उसकी तकनीक को जान सके और स्पेस में एक अलग छाप छोड़ सके।
पृथ्वी पर ऐसे कई सबूत मिले हैं जिससे साबित होता है कि परग्रही पृथ्वी पर आते जाते रहे हैं, जिन्हें हम लोग एलियंस कहते हैं। एलियंस के अस्तित्व को लेकर दुनिया भर के लोगों की अपनी राय है, लेकिन कुछ दावे ऐसे भी हैं जो एलियंस की मौजूदगी पर भरोसा करने को मजबूर कर देते हैं। तो दोस्तों, आप में से कितनों को लगता है कि पृथ्वी के बाहर भी एक दुनिया है जहां हमारी ही तरह जीवन है और इंसानों की तरह लोग दूसरे ग्रह पर मौजूद हैं? साथ ही अगर आप और किसी टॉपिक पे चाहते हैं कि मैं वीडियो लाऊं, तो आप अपनी राय मुझे कमेंट करके जरूर शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें और ऐसे ही मुझे मोटिवेट करते रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय।